बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापते निचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज 22 मार्च सन 2022 दिन शुक्रवार वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, आज सूर्य उदय का समय 5:59 और सूर्यास्त का समय 6:30 सायंकाल। आज राहुकाल 10:40 पर रहेंगे, शुरू होंगे और 12:14 तक रहेंगे, यानी कि आज प्रातः 10:40 से 12:14 तक कोई भी कार्य प्रारंभ ना करें। आज आप 112वां पाठ सुनेंगे। कल आपने 111वें पाठ में श्री नगली निवासी भगवान जी के राजधानी में दर्शन अध्याय सुना। आज से कह दो तो नंगली साहिब की महिमा का गुणगान प्रारंभ हो रहा है। नंगली साहिब में अमृत स्त्रोत, काली नदी की महिमा, मुख्य द्वार, इस प्रकार से अनेकों अध्याय आप सुनते चले जाएंगे और कितना आनंद आएगा ये तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह आप ही जानते होंगे। तो आइए आज 112वां पाठ प्रारंभ करते हैं। लीला संवरण। जिनको मेरे दर्शन की इच्छा होगी वे नंगली में ही आ जाया करेंगे। किसने कहा? श्री नंगली निवासी भगवान जी ने। ये नंगली तीर्थ प्रसिद्ध होगा और संतों की नंगली कहलाएगी। यह मेरा आदि स्थान अर्थात गद्दी है, इसे साधारण कुटिया ना समझें। यह गुरु मंदिर है, गुरु का द्वारा यहाँ की मिट्टी भी पूजी जाएगी और पवित्र धूलि कहलाएगी। और आप सभी देखते होंगे जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको मंदिर से एक पुड़िया मिलती है, उसको बोलते हैं चरण धूलि। वो वहाँ की मिट्टी, कहा है कि यहाँ की मिट्टी भी पूजी जाएगी और वह पवित्र धूलि कहलाएगी, जिसको हम चरण धूलि बोलते हैं। लगभग 2 महीने दिल्ली में दर्शन देकर हृदय सम्राट मार्च के दूसरे हफ्ते श्री नंगली साहिब पधारे। उन दिनों श्री महाराज जी की निज सेवा में स्वामी अखंड सप्तानंद जी, स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी और स्वामी निर्भ्रम ब्रह्मानंद जी, स्वामी निज ध्यानानंद जी और स्वामी शब्द विवेकानंद जी, भक्त एनसी लाल जी और भक्त सरदारी लाल जी इत्यादि थे। हृदय सम्राट श्री नंगली जी में भक्त गेंदा जी द्वारा समर्पित भवन में आकर विराजमान हुए। जौन सा भवन गेंदा लाल जी ने गुरु महाराज जी को समर्पित किया था, जिसमें आज पावन मंदिर बना हुआ है। अमृत स्त्रोत, जो जल आप लेकर आते हैं घर पर, अब उसकी महिमा सुने। एक दिन दाता दीनदयाल जी ने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत तंगी है, दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी इच्छा है कि इस स्थान पर एक सुंदर नल का लगवाया जाए
गुरुदेव की आज्ञा पाकर सेवक नल का सामान और मिस्त्री ले आए, तब नल लगने लगा। जब नल का पूर्ण रूप से तैयार हो गया तो उसमें बहुत ही शीतल स्वादिष्ट और मीठा जल निकला। महात्मा जनों ने प्रार्थना की, दयालु प्रभु जी, यदि यहाँ कुआ लग जाता तो पानी ज़्यादा मिलता। श्री सतगुरुदेव जी ने फंसकर फरमाया, यह साधारण नल का नहीं बल्कि अमृत का सोमा है। समय आने वाला है कि इस नल के जल को प्रेमीजन दूर दूर शीशियों में भरकर ले जाएंगे। इसके जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुंचेगा। इसके असली भेद को मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, और यह सत्य ही आज हमारे हजारों प्रेमी अमृत के जल को शीशों में बंद करके अपने घरों को ले जाते हैं और चरणामृत के रूप में इस जल का सेवन करते हैं। दाता दीनदयाल जी के शुभ आशीर्वाद के फलस्वरूप असंख्य श्रद्धालु प्रेमी इस जल का सेवन करने से लाइलाज बीमारियों से भी मुक्त हो गए। यहाँ तक कि कई कोड़ियों के कोड़ इस जल में स्नान करने से दूर हुए हैं। और फिर गंगा जल के समान ही इस अमृत स्त्रोत के जल में अनेक वर्ष बीत जाने पर भी जाला और धुंध इत्यादि नहीं पड़ता। यह जल सर्वदा पहले के समान ही गुणकारी है। इसीलिए नंगली साहिब में पूर्णिमा का महत्व है। जो भी प्रेमीजन पूर्णमासी का स्नान करते हैं, उस जल में जाकर स्नान करते हैं, उस जल का पान करते हैं, उस जल को घर में लेकर आते हैं और डेली उसका सेवन करते हैं, तो वो लाल इलाज बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कोढ़ तक भी दूर हो जाता है। लेकिन ये सब श्रद्धा का खेल है, भाव की भावनाओं का खेल है। अगर आपका विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसीलिए हर पूर्णमासी को असंख्य लोग वहाँ पहुँचते हैं, पूर्णिमा का स्नान करते हैं श्री गुरु महाराज जी के उस जल में और अपने आप को धन्य करते हैं। और मैं तो कहूँगा हर गुरुमुख को कम से कम 5, 7, 9 या 11 पूर्णिमा का या फिर एक वर्ष की पूर्णिमा का स्नान श्री नंगली दरबार में अवश्य करना चाहिए। नागिन नदी, हृदय सम्राट श्री महाराज जी रोज सुबह शाम नदी किनारे सैर करने के लिए जाया करते थे। वहाँ सैतूत का एक भाग्यशाली पेड़ था जिसकी छाया के नीचे महाप्रभु सुख आसीन होकर अपने सेवादार महात्माओं को अमृत वचन सुनाया करते थे। एक दिन हृदय सम्राट बोले, यहाँ के लोग इस नदी को नागिन नदी कहते हैं, इसमें पाताल के चश्मों के रूप में फूट फूट कर पानी बह रहा है, इसमें अनेक सांप भी दिखाई देते हैं। जल्दी समय आने वाला है, सांप तो अपने घरों को चले जाएंगे। अच्छा, इस नदी के किनारे स्नान के लिए जरूर कोई घाट बनना चाहिए और उसका शुभ नाम गुरु घाट होना चाहिए। चाहे आप इसे संयोग की बात कह ले या विधाता की रचना, महाप्रभु की पावन जन्मभूमि श्री टेरी जी के समीप तोई नाम की नदी बहती थी और उधर पंजाब में चबोड़ी आश्रम भी चनाब नदी के किनारे था। और अब हृदय सम्राट ने नागिन नदी के तट पर स्थित अनुपम तीर्थ धाम श्री नंगली जी को अपनी निर्वाण भूमि बनाया। इस प्रकार जन्म भूमि, कर्म भूमि और निर्वाण भूमि सभी नदियों के किनारे स्थित हैं। मुख्य द्वार, एक दिन श्री महाराज जी सेवादारों से कहने लगे कि बाहर का द्वार बड़ा होना चाहिए, हमारी आज्ञा है कि जल्दी मुख्य द्वार बनाओ। प्रेमी सेवक गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने लगे। लकड़ी का सामान, ईंटें और सीमेंट इत्यादि का इंतजाम किया जाने लगा और पास के गांव महलका और मेरठ से बढ़िया ईंट आने लगी। मिस्त्रियों का प्रबंध किया गया। 6 फुट चौड़ा और 9 फुट ऊंचा मुख्य द्वार बनाया जाने लगा। तब श्री महाराज जी कहने लगे, मुख्य द्वार के निर्माण कार्य को ज़्यादा लंबा ना करो, हमें सादा काम ही पसंद है। गुरुदेव के वचन सुनकर सेवकों ने विनती की, दाताजी, स्थान की शोभानुसार यहाँ छोटा और साधारण दरवाज़ा अच्छा ना लगेगा,
श्री महाराज जी ने हंसकर फरमाया, अभी तो यही ठीक है, समय आने पर जैसा जी चाहे द्वार बना लेना, परंतु अब ज्यादा समय नहीं है, इस काम को लंबा मत करो। उन दिनों भक्त सरदारी लाल जी श्री सतगुरुदेव दयाल जी की सेवा में थे और गुरुदेव ने इनसे कहा, हमारी सेवा का भी ध्यान रखो, दरवाजे का काम भी आपके जिम्मे है, ताकि महात्मा जनों को इधर उधर ज़्यादा ना भागना पड़े। आई हुई सब ईंटों में से कुछ अच्छी अच्छी ईंटें अलग रख दो। संकेत पहले ही दे दिया, अच्छी अच्छी ईंटें अलग रख दो, इनकी हमको जरूरत पड़ेगी, ये हमारे खास काम आएंगी, कुछ बोरी सीमेंट भी अलग रख दो। दाता दीनदयाल जी की अद्भुत मौज को भला संसारिक जीव क्या समझे। संकेत ही संकेत में गुरुदेव बहुत कुछ फरमा गए, परंतु कोई भी उस खास काम को न जान सका जिसकी ओर गुरुदेव संकेत कर रहे थे। किसी को कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई, दरवाजा बनकर तैयार हो गया। बाहर से उसकी ऊंचाई 15 फुट थी, वह देखने में भी बहुत सुंदर था। इस प्रकार से सतगुरु दयाल जी सर्व प्रेमियों को इशारों में निज धाम सिधारने की बात कह रहे थे। दाता दीनदयाल जी मार्च के दूसरे सप्ताह में दिल्ली से श्री नंगली साहिब में पधारे और मार्च का महीना खत्म हो गया और अप्रैल का श्री गणेश हुआ। उन दिनों श्री स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी सत्य विचारानंद जी, स्वामी अर्जुनानंद जी और दूसरे कई प्रमुख महात्मा जन चकोड़ी आश्रम में विद्यमान थे। श्री स्वामी वैरागानंद जी सिंध में थे और स्वामी बेअंतानंद जी आनंदपुर गए हुए थे। यह दास उन दिनों लायलपुर अस्पताल में बीमार पड़ा था। हृदय सम्राट श्री महाराज जी की खास काम के लिए 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को श्री नंगली साहिब से बाहर रहे। मंगलवार 7 अप्रैल सन 1936 को गुरुदेव सकोती टांडा स्टेशन पर पधारे। पहले तो गुरुदेव कार में सवार होकर सीधे नंगली जी जाया करते थे, इसलिए प्रेमियों को उनके शुभ दर्शन नहीं हो पाते थे। सकोती टांडा स्टेशन के रेलवे कर्मचारी यही सोचा करते थे कि पता नहीं हम पर कब दया दृष्टि होगी और हमें जीवन कर सतगुरुदेव जी के शुभ दर्शन होंगे। उस दिन प्रेमियों के भाग्य खुल गए। श्री महाराज जी अपनी मौजवश गाड़ी से उतरकर उन रेलवे कर्मचारियों के पास पहुंचे। उन्होंने महाप्रभु का बहुत आदर सम्मान किया। श्री सतगुरुदेव जी ने उनसे कहा, आज अच्छा अवसर है, खूब जी भरकर दर्शन कर लो। साथ ही शुगर फैक्ट्री के अच्छे गणमान्य व्यक्ति भी श्री दर्शनों के लिए आए। गुरुदेव जी ने अपनी मौजवश 250 रुपये का प्रसाद, फल और मिठाई मेरठ से मंगवा कर सबको बांटी। उन प्रेमियों ने पूछा, महाराज जी यह कैसा प्रसाद है जो आप इतनी खुशी से बांट रहे हो। गुरुदेव ने मुस्कुराकर फरमाया, इस प्रसाद में कृपा रूपी प्रसाद छिपा हुआ है जिसे हम मजबूर होकर बांटना चाहते हैं। सर्वसाधारण व्यक्ति जिसको कृपा समझे वह कृपा नहीं होती। संसारिक सुख पाने के लिए संतों से प्रार्थना करनी ठीक नहीं। फिर महाप्रभु ने सबको संबोधित करके कहा, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो दर्शन कर रहे हो। कुछ अनजान बुद्धि लोगों ने मन में सोचा कि ये अच्छे संत हैं जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु यह बात असत्य न थी। गोसाई तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में इसी बात की पुष्टि की, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमी इंतु तुम्हारी। अर्थात संत विश्व का सुख के लिए ही प्रकट होते हैं। जैसे रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए चंद्रमा की जरूरत होती है, दाता दीनदयाल जी ने प्रसाद बांटकर कहा, भाई झोलियां भर कर प्रसाद लो, पता नहीं यह समय फिर कब आएगा, कौन जाने कल क्या होगा। बस इस प्रकार के संकेतिक वचन कहकर महाप्रभु कार में सवार होकर सकोती टांडा से श्री नंगली जी में पधारे। अब तक दास अपने मालिक श्री इष्ट देव की पावन जीवन लीलाएं लिखते लिखते आनंद मग्न था, परंतु ये विधाता ये अभागे हाथ
अब क्या लिखने जा रहे हैं। श्री नंगली साहिब पहुंचकर क्या हुआ उसकी कल्पना करते ही हृदय सिहर उठता है। यह निर्जल निर्लज प्राण निकल क्यों नहीं जाते अपने प्राणेश्वर दाता दीनदयाल जी के बिना। यह प्राण अब तक इस शरीर में कैसे अटक रहे हैं। महाप्रभु तेरी अद्भुत लीला कैसे वर्णन करूं। यह अभागी लेखनी अपने हृदय सम्राट के महानिर्वाण प्राप्ति का वर्णन कैसे लिख सकेगी। महाप्रभु आप स्वयं ही शक्ति प्रदान करें ताकि यह कार्य सुसंपन्न हो। दाता दीनदयाल जी ने श्री नंगली साहिब पधार कर उसी दिन शाम को अपने सेवकों को आज्ञा दी कि हलवे का इतना प्रसाद बनाओ ताकि गांव के सभी प्रेमियों को जी भरकर प्रसाद मिले। तत्काल श्री सतगुरु दयाल जी की आज्ञा का पालन किया गया। लगभग 18 मन हलवे का प्रसाद बना। कितना हलवे का प्रसाद बना? 18 मन हलवे का प्रसाद बनाया गया। तब तक प्रेमियों को बुलाकर झोलियां भर भर कर प्रसाद दिया। उस समय हृदय सम्राट सुंदर पलंग पर विराजमान थे। किसी प्रेमी ने पूछा, महाप्रभु यह प्रसाद क्यों बांटा जा रहा है। श्री महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा, हम परसों श्री नंगली साहिब से जाएंगे इसलिए प्रसाद दे रहे हैं। तब सभी प्रेमियों ने श्री चरणों में विनती की, दाताजी हम लोग आपके पावन दर्शन के बिना कैसे रहेंगे। जब यह सांवली सूरत आंखों से ओझल होगी तो दिल पर क्या बीतेगी। हमारे यह प्राण आपके वियोग दुख को नहीं सहन कर पाएंगे। महाप्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, नंगली से कहीं दूर न जाइए। ऐसी कल्पना करने मात्र से शरीर का रोआ खड़ा हो जाता है और दिल रोने लगता है। कल्पना करने से सोचिए, जो लोग उस समय रहे होंगे, जो संत महापुरुष भक्त रहे होंगे, हम आज कल्पना करते हैं तो हम रोने लगते हैं। उनके दिल पर क्या बीती होगी ये तो वही जाने। आज का प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। कल का प्रसंग श्री नंगली जी को वरदान, परिनिर्वाण की तैयारी ये आप कल सुनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांची दरबारी की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।